लोकसभा चुनावों से पहले पीएम मोदी 12 राज्यों के मैराथन दौरे पर हैं और आज वो कश्मीर का दौरा करने वाले हैं, जहां वो बख्शी स्टेडियम में जनसभा को संबोधित भी करेंगे। पीएम मोदी आज जम्मू कश्मीर का दौरा करने वाले हैं। उनके दौरे से पहले यहां बख्शी स्टेडियम को राष्ट्रीय तिरंगे के रंगों में रंगा गया है, साथ ही सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। साल 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब पीएम कश्मीर में जनसभा करने वाले हैं। मोदी की सार्वजनिक रैली ऐतिहासिक बख्शी स्टेडियम में हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी स्टेडियम में विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू कश्मीर में किसानों को बढ़ावा देने के लिए लगभग 5,000 करोड़ के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, जिसमें 2.5 लाख किसानों को दक्ष किसान पोर्टल के माध्यम से कौशल विकास प्रदान किया जाएगा। मोदी स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना के अंतर्गत 1400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की पर्यटन क्षेत्र से संबंधित कई परियोजनाओं की शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान उनके रास्ते में पड़ने वाले स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार को होने वाली बोर्ड की परीक्षाएं अगले महीने तक के लिए स्थगित कर दी गई हैं। तो बिल्कुल देखिए, धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर जाने वाले हैं और ये दौरा कई लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण, चूंकि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और कई महत्वपूर्ण यहां पर जो सौगात है वो भी जम्मू कश्मीर के वासियों को मिलने वाली है।